हेलो टेल इधर देखो सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे कर लीजिए। और भी कुछ भी अगर सरकार की तरफ से कुछ है तो आप कभी भी बोल सकते हैं सर, हमारे यहाँ सरकार आपके साथ है। हेलो टेल इधर देखो सर, यहाँ पे देखिए सर, इधर इधर हमारा फंक्शन हॉल क्या है नाम के नाम से फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सर, वहाँ अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज अमीलापुर में जो हमारे सैफुल्ला भाई जो पिछली बार ट्रेन में जो एक्सीडेंट हुआ था, एक जो सिपाही गोली मारा था, तो बहुत ही दुख की बात थी हमको। तो मैं उस दिन भी आया था जिस दिन इंतकाल हुआ था, जिस दिन यहाँ पे तफ़ीन कर रहे थे, तो उस दिन भी मैं आया था। और आज सिद्धरामैया जी इमीडिएट उसी दिन मैं ईश्वर जी जाके जब बात करे ऐसा ऐसा हो गया बोले तो 10 लाख रुपए इमीडिएट देने के लिए बोले थे, तो आज हम घर पे देने आए हैं। उनके परिवार बहुत ही दुखी है और उनको उनके अहलिया को मिले हमको तीन लड़कियां ही हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी जो भी हमारे से मदद होगी हम जरूर करेंगे। और आप सब लोग दुआ करिए, हम भी जरूर दुआ करेंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया। रिस्पेक्ट अरविंद अली साहब, रहीम खान साहब जो हमारे सैफुद्दीन का शहीद हो गए, उस दौरान भी हमारे रहीम खान साहब आए थे, हमारे अरशद अली आए थे, जितने माने वो सारे के लोग आए थे। आज रहीम खान साहब के कांग्रेस पार्टी 20 साल से अमीलापुर के साथ चल रहा है, 20 साल से अमीलापुर के साथ चल रहा। और इन्होंने ईश्वर खंडे साहब और हमारे रहीम खान साहब चीफ मिनिस्टर से बात करके 10 लाख रुपए दिए हैं। जान तो वापस नहीं आ सकते, 1 करोड़ दिए तो भी कम है, 10 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब, 1 करोड़ भी देने से वो जगह पूर्ति नहीं कर सकते। फिर भी इनका एहसान है कि इन्होंने अभी वहां पे आंध्रा में नौकरी मिली डेली विजेस का, सर पता चला हमको डेली विजेस का। हमारे ईश्वर खंडे साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्होंने इस बच्ची को कहीं इनके छत्र छाया में अगर बिदर या कहीं भी रखने से बड़ी मेहरबानी होंगी, और वो बच्ची की तो पूर्ति नहीं कर सकते सर। और आपका सहयोग, अमीलापुर का पूरा सहयोग आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा सर। बहुत बहुत थैंक यू सर।